क्या बना रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरन पोड़ी। ठीक क्या होता है? पूरन पोड़ी ये मुंबई की बहुत फेमस डिश है। पर प्राची हम तो दिल्ली में रहते हैं ना, कुछ दिल्ली वाला बनाना। छोले कुलचे, छोले भटूरे, कुछ ऐसा। चुप कर, ये मैं माँ के लिए बना रही हूँ। पता है माँ ने मुझे बताया था, जब वो मुंबई में रहती थी उन्हें पूरन पोड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ। क्या है ना, जब हमारा मूड अच्छा नहीं होता और कुछ अच्छा खाते हैं तो मूड अपने आप अच्छा बन जाता है। यू नो, स्ट्रेस बस्टर, फील गुड। चाची उसे ना शुगर रश कहते हैं। शुगर रश बोल या फील गुड बोल, आपको बस अच्छा लगना चाहिए। माँ बहुत स्ट्रेस्ड है ना। मुझे भी बड़ी भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को देना प्लीज। बनने तो दे, पर सब खाना होता है पहले से। प्राची लोग ना चेहरे पर पाउडर लगाते हैं, पर तूने तो आटा लगा लिया। और पता है कमाल की बात क्या है, तू लग भी बहुत सुंदर रही है। मक्खन मारने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। पहले सब साथ में खाएंगे तो साथ में। मक्खन नहीं मार रही हूँ, तू लग रही है बहुत सुंदर। अगर रणबीर होता ना तो तुझे हग कर लेता। शाना चुप करेगी तू? इतना भड़क क्या रही है? मैं तो मजाक कर रही थी ना, और मुझे पूरन पोली खानी थी, तूने तो डांट खिला दी। तू जाके देख, मैं यही लगाती हूँ। जल ना जाए। मुझे तो इतनी भूख लग रही थी ना कि अगर नहीं खाती तो बेहोशी हो जाती। राजीव कुछ मत बोल। रणबीर तुम यहाँ? जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो गया?
देखिए मैं कल रात को बिल्कुल सो ही नहीं पाया। मेरे दिमाग में बार बार वही चल रहा था जो तनु ने बोला कल। अगर उसके पास हमारे खिलाफ इतने सारे सबूत हैं तो हमारे पास कुछ है उसके खिलाफ? कुछ भी? देखो रणबीर, मैं तुम्हारा डर समझ आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही। मैं सिंसियरली चाहता हूँ कि आप एक केस जीत जाएं, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि चीफ घर आ जाए एक बार बस। मैं तनु को सिर्फ एक केस हराना नहीं चाहता हूँ, मैं तनु को ये बताना चाहता हूँ कि वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती ऐसे किसी पर झूठा आरोप लगा। इनफैक्ट मैं पूरी सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि अगर एक लड़की रो रही है इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच बोल रही है, और अगर एक लड़का रो नहीं रहा है इसका ये मतलब नहीं वो झूठा है। वो अपने मन में रो रहा है, अपने दिल में रो रहा है। देखिए आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये केस जीत जाए। उसके लिए आपको जो करना पड़े आप प्लीज कीजिए। अगर किसी भी चीज की कमी रह जाएगी तो मैं पूरी करूंगा, मैं सब करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बट मैं आपके साथ हूं। हम ये केस नहीं हार सकते। क्या कोशिश करोगे तुम? देखिए मैं अभी चीफ के डॉक्टर से मिला था तो वो गवाही देने के लिए भी मान गए। मैं एक चीज लेके आया हूँ, सर्टिफिकेट भी लेके आया हूँ, आप प्लीज देखिए। क्या है इस सर्टिफिकेट में? इस सर्टिफिकेट में उस डॉक्टर ने साफ साफ लिखा है कि तनु जो बोल रही है ना, उसका सो कॉल्ड जब रेप हुआ है तब चीफ की जो मेंटल स्टेट थी वो बच्चों वाली थी। तो उस मेंटल स्टेट में वो सिर्फ दो चीजें फील कर सकते हैं, या तो वो दोस्ती फील कर सकते हैं या तो वो नफरत फील कर सकते हैं, और कुछ नहीं फील कर सकते। तो अगर तनु ऐसा कह रही है कि उसका रेप हुआ है तो वो अटली शी इज लाइंग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। शी इज जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स, और इससे ये प्रूव हो सकता है। इस सर्टिफिकेट से ये प्रूव हो जाएगा? यस, हो जाएगा। थैंक यू रणबीर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सबूत है। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कुछ और भी है जिससे तनु की सारी बातें झूठी साबित हो सकती हैं। वो क्या है? प्राची तनु का कन्फेशन, जिसमें ये खुद वो एक्सेप्ट कर रही है कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। वो ये सब कुछ सिर्फ हमसे बदला लेने के लिए कर रही है। What are you doing, baby? मैंने तुम्हें कहा कि मुझे बेचारा लगना है, तुम मुझे और प्रिटी दिखा रहे हो। मुझे ऐसा लगना है जैसे अबला नारी बेचारी सबको देख के मुझ पे तरस आ जाए, स्पेशली जज को, यू नो। बेबी अब आप हो इतनी खूबसूरत कि आप पर खराब मेकअप भी अच्छा दिखता है। थैंक यू, पर बेबी अगर तुम मुझे इतना अच्छा दिखाओगी ना तो मुझे बुरे बनने की कुछ ज्यादा ही एक्टिंग करनी पड़ेगी। एनीवे मैं निकलती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है मुझे। इतना इम्पोर्टेंट जो प्रज्ञा की लाइफ को पूरी तरीके से हिला के रख देगा। बाय बेबी। पर बेबी तो मतलब आपके पास वो कन्फेशन की रिकॉर्डिंग है? हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ ये कब की बात है और आपको कैसे मिली ये रिकॉर्डिंग? मुझे खुद नहीं पता था कि इस फोन में वो रिकॉर्डिंग है। वो तो बाय एक्सीडेंट मुझे पता चला कि उसका पूरा कन्फेशन मेरे पास रिकॉर्डेड है, जिसमें वो खुद कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। एक मिनट मासी, आप कब की बात कर रहे हो? राना वो उस दिन जिस दिन मैं लॉयर ढूंढ रही थी ना, गलती से मैं मिस्टर सिंघानिया के ऑफिस में पहुंच गई, जो तनु के अपने लॉयर हैं। और मैं वहां पहुंची तो तनु भी वहां आ गई। हमारे बीच बहुत बहस होने लगी और उस बीच वो मिस्टर सिंघानिया केबिन से बाहर गए तो तनु ने केबिन ही लॉक कर लिया। वो उसी वक्त ये रिकॉर्डिंग हुई। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि कैसे रिकॉर्डिंग, उस बहस के दौरान पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो गया और उसका सारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया। फिर आपको पता कब चला? जब मैं वो मिस्टर रघुवीर मिश्रा के यहाँ गई और पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि तू और रणबीर अरेस्टेड हैं, तो हम वहाँ से बेल के पेपर्स लेके जल्दी जल्दी में पुलिस स्टेशन पहुँचे। हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, ऑफ हो गया। फिर फ़ोन उठा के जब मैंने उसे ऑन किया तो फ़ोन में अनाप शनाप रिकॉर्डिंग्स थी। तो बेवजह की रिकॉर्डिंग मैं डिलीट कर रही थी तभी मुझे ये रिकॉर्डिंग मिली जिसमें तनु ने खुद कहा है कि कोई रेप हुआ ही नहीं है। लो तुम लोग खुद सुनो। बस वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। यू आर राइट प्रज्ञा, अभी ने मेरा रेप नहीं किया। क्या हुआ? अब तक तो तुम बोल रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, अब जब सच बताया तो कहीं तुमने मान तो नहीं लिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने सच में मेरा रेप किया? और एक विटनेस भी अरेंज किया है मैंने, जो पहले जब तनु मॉडल थी उसी के साथ काम करता था। वो एक वॉइस स्पेशलिस्ट है, वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हो गया है कि ये आवाज और तनु की आवाज मैच करती है। वाह मासी, ये तो बहुत बड़ा सबूत है। सबूत नहीं शाहाना, ये करारा जवाब है जो तनु ने चैलेंज दिया ना उसके अगेंस्ट। कोर्ट में वो झूठी साबित होगी और कोर्ट से वापस जेल जाएगी सीधा। मतलब पापा घर आ जाएंगे? माँ अब दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तनु जेल जाएगी, हम जीत जाएंगे और पापा घर आ जाएंगे।
सर, अगर आपके पास ये रिकॉर्डिंग थी पहले से, तो आप तनु के सामने वहां खड़ी क्यों थी? वो आपको कुछ भी बोलती रही, आप सुनती रही। आपको उसको बोलना चाहिए था कि तुम तो हारने वाली हो। उसकी नींद खराब होती, मेरी नींद खराब हो गई सारी। I'm sorry, रणवीर, मैं तनु को बहुत पहले से जानती हूँ। मैं जानती थी कि अगर उसे हिंट भी मिल जाता ना कि हमारे पास कोई और सबूत है, तो वो कुछ नया झूठ सोच लेती, कोर्ट में जाकर आखिरी मोमेंट पे कोई नई चाल चल देती जिससे डेट आगे बढ़ जाती, कोई नया झूठ बोल देती ताकि केस उसकी तरफ हो जाता। मैं उसे ओवर कॉन्फिडेंट ही रहने देना चाहती थी ताकि उसे पता ही नहीं चले कि हम उसे हरा भी सकते। मैं दुनिया के सामने उसकी इस मीडिया अकाउंट को झूठा साबित करना चाहती थी। बस इसलिए मैंने कल कुछ नहीं कहा। खैर चलो, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही। पर मासी, आप अभी कहाँ जा रहे हो? कोर्ट की हियरिंग तो 2 घंटे में होने वाली ना। हाँ, लेकिन पहले वो हमारे लॉयर रघुवीर जी के पास जाकर उन्हें ये सब दिखाना होगा ना, ताकि वो भी प्रिपेयर्ड रहें कोर्ट में। मैं आपको छोड़ देता हूँ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। थैंक्स। परेशान नहीं होना, हम चलो। सॉरी। आप सॉरी क्यों बोल रही हैं उसको? हमारी गलती नहीं है, उनकी गलती है। उन्होंने दरवाजा खोला, हमारी गलती नहीं है। ठीक है, चलो, मैं तुम्हें बिना सॉरी बोले ही जाने दे रही हूँ। क्या है कि तुम प्रज्ञा के साथ हो ना, और इसे तुम्हारी जरूरत है। बेचारी केस जो हारने वाली है। केस कौन हारेगा वो हम कोर्ट में देखेंगे। रहने दो ना, बहस मत करो, बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। हाँ रणवीर, प्रज्ञा की बात मान लो, जैसे इसने बात मान ली कि केस मैं जीतने वाली हूं। सी, आपने मुझे इसको कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? हम जवाब देंगे रणवीर, हमारी जीत ही हमारा जवाब होगा। अभी अगर उसे जवाब दे देते तो उसे लगता हम केस से परेशान ही नहीं है। रहने दो उसे गलत फहमी में कि वो जीतने वाली। चले आइए बैठिए। ये मेरा घर है, आप लोग इतने आराम से बैठिए, यहाँ हमारी बातें कोई नहीं सुन सकता। एक सेकंड, मैं वो सर्टिफिकेट भूल गया। नहीं रुको, कैसा सर्टिफिकेट? एक्चुअली सर, मेरे हस्बैंड के डॉक्टर ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है जो ये सर्टिफाई करता है कि जिस रात को रेप की बात कही जा रही है, उस रात उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल एक बच्चे की तरह थी। तो डॉक्टर ने सर्टिफाई किया जी, तो ये बहुत अच्छा प्रूफ है हमारे लिए, हम कोर्ट में पेश करेंगे उसको। और सर, मेरे पास तनु का कन्फेशन भी है जिसमें वो कह रही है कि उसका कोई रेप नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रही है हमसे बदला लेने के लिए। तनु ने खुद कहा? जी, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। दिखाइए ना, सुनाइए। हाँ, वही सुनाने के लिए मैं कोर्ट की हियरिंग से पहले आपके पास आ गई। ये मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने का। यू आर राइट प्रज्ञा, अभी ने मेरा रेप नहीं किया। कहीं तुमने मान तो नहीं लिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने सच में मेरा रेप किया? तनु ने खुद कहा, ये तो हमारे लिए बहुत सॉलिड प्रूफ है। इस प्रूफ के बाद तो तनु केस हार जाएगी और कोर्ट आपके हस्बैंड को इमीडिएट छोड़ देगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सिर्फ यही नहीं, आप एक तो तनु को हराएंगे, दूसरा प्लीज जज साहब से ये बोलेगा कि तनु ने जो झूठा आरोप लगाया अभिषेक ने मेरा पर, उसकी वजह से उनकी जितनी भी इमेज खराब हुई है और जो भी कंपनी के लॉसेस हुए वो सब के सब सिर्फ तनु भरेंगे। वेरी गुड सजेशन। इसके बाद हम तनु के ऊपर मानहानि का केस ठोक देते हैं, उसे करोड़ों रुपया देना ही पड़ेगा। ये करना इसलिए भी जरूरी है ताकि उससे सबक मिले और वो ऐसा किसी और के साथ दोबारा न करे। आप चिंता मत करिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर, अब हम चलते हैं। हां, आप लोग निकलिए, मैं सारी तैयारी करके आता हूँ। ओके जी। एक सेकंड, मैं रिया को फोन कर लेता हूँ। तुम बात कर लो, मैं निकलती हूँ। ठीक है, ओके। आलिया, अभी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने देर कर दिया आने में? हा? और वो अंदर चला गया हो? नहीं दादी, हम लेट नहीं हुए, इनफैक्ट जल्दी आए। घर से निकलते समय मैंने पुलिस को कॉल किया था, वो भाई को लेकर आ रहे हैं, रास्ते पर होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आलिया, मेरी ना दिल की धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है, अंदर क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है। मिताली भाभी, आप क्यों ये सब बोल रही हैं? दादी,
आप परेशान मत हो ज्यादा, मुझे तो ना सिर्फ टेंशन ये कोर्ट का माहौल देखकर हो रही है, बाकी कुछ नहीं है। केस को लेकर तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। हमारी प्रज्ञा है ना, रात भर घर नहीं आई, वो जरूर ना अभी को छुड़वाने के लिए पता नहीं कितनी कोशिशें कर रही होगी। वो जो भी करे आई जस्ट विश कि रिजल्ट अच्छा हो। प्रज्ञा अभी की पत्नी है और अगर एक पत्नी अपने पति के लिए सारा दिन भी भूखी रहे ना तो उसका नतीजा ये होता है कि पति की उम्र लंबी होती है। प्रज्ञा आ गई। तुझे मुस्कुराता हुआ देख लिया ना तो अच्छा शगुन मिल गया। दादी अच्छा शगुन तब होगा जब आप मुझे आशीर्वाद देंगे। जीती रहे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ। कल रात तू नहीं आई ना, बहुत चिंता हो गई थी और आज सुबह से मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ये सोच सोच कर कि अभी के साथ क्या होगा। क्या तूने तैयारी की? मुझे पता है तूने सब अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन बेटा अगर तुम मुझे थोड़ा सा बता देना तो मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। तसल्ली क्या, मैं तो आपको भरोसा दिला रही हूँ कि आप यहाँ तक अकेले आई हैं लेकिन घर वापस अपने पोते के साथ जाएं। रघुवीर जी जो हमारे लॉयर हैं ना, उनके पास कई सारे सबूत हैं जिनसे वो तन्नू के पास भी तो सबूत हैं। अगर वो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए जीत तो सच्चाई की ही होगी ना। मुझे तो प्रज्ञा के ऊपर विश्वास है, तुम्हें है ना? तुझसे तसल्ली मांगी थी, ऐसा लगा कि दूसरी जिंदगी मिल गई है मुझे, क्योंकि सारे वकीलों ने मना कर दी, सब कहने लगे ये ओपन एंड शट केस है। बेचारी आलिया को भी वकील नहीं मिला, लेकिन बेटा तेरे वकील और तेरा भरोसा देखकर अब मुझे तसल्ली हो गई कि मेरे अभी को कुछ नहीं होगा। आसान तो नहीं है, लेकिन दादी देखिएगा आप जीत सच की ही होगी। अभी आ गया। सॉरी बोलने आई हो मिताली भाभी के साथ? तुम्हें नहीं लगता उसके लिए थोड़ा सा लेट हो गया? सॉरी, तुम्हें कुछ बताने आई हो तनु, बड़े होते होते भूल गई थी, बस तुम्हें देखकर वो बात याद आई है, तुम्हें बताने आई हूँ वो बात। मुझे क्यों? कहा ना, तुम्हें देखकर वो बात याद आ गई। दादी कहा करती थी कि सांप को जितना भी दूध पिला दो वो रहता सांप ही है, उसके अंदर रहता जहरी और तुम वही सांप होता। काश तुम्हारी दादी ने जुबान पर लगाम लगाना भी सिखाया होता तो तुम्हें ये पता होता कि किससे क्या बात करनी और क्या नहीं, किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं। लेकिन अफसोस तुम इतनी समझदार नहीं हो। समझदार होती तो तुम्हारी दोस्त भी नहीं होती। बुरा लग रहा है तुम्हें, सांप तो तुम हो तनु। सांप तो तुम हो आलिया, जो अपने पति की खुशियों को भी डस गई। एंड यू नो व्हाट, तुम में और मुझ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तुमने अपने सेल्फिश रीजन की वजह से अपने घर पे बुलाया था अभी से शादी करवाने के लिए, और देखा जाए तो तुम्हारी ये फैमिली भी आज मुसीबत में कहीं ना कहीं तुम्हारी वजह से ही है। नहीं तनु, तुम में और आलिया में बहुत फर्क, और उस फर्क की वजह है अभी। आलिया कुछ भी कर सकती है लेकिन अपने भाई का बुरा न चाह सकती है न सोच सकती है, और तुम अभी से प्यार करने का दम भरती हो ना, और अपने प्यार को ही तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। जिस घर में इतने सालों तक रही उस घर को बर्बाद करने चली हो तुम। अरे तुम्हारी जैसी सेल्फिश औरत मैंने आज तक नहीं देखी। आप तो कुछ ना ही बोलो ना तो ही अच्छा है। आप कभी आलिया के अगेंस्ट होते हो, कभी उसके साथ होते हो, आप ना पेंडुलम की तरह हो। आपकी लैंग्वेज में कहा जाए तो थाली का बैंगन, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। और रही बात तुम्हारी आलिया, तो ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी।